डिस्कस कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 2। ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों को? एक बार कंफर्म कर दो। अर्पित माही आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 जो कि हमारे डिस्कशन की आखिरी एक्सरसाइज है। चलो पूछो। क्वेश्चन नंबर सेकंड उससे पहले किसी का डाउट? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का बताना है जो कि है एक्स टू द पावर 1/3/2 एक्स टू द पावर 1/3/2 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/5 टू द पावर 8। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जनरल टर्म लिख लें, पहले जनरल टर्म लिख लें 8cr 1/2 को मैं अलग ही कर लेता हूँ 1/2 टू द पावर 8 माइनस आर और x टू द पावर 1/3 टू द पावर 8 माइनस आर। तो 8 माइनस आर बाय 3 हो गया और x टू द पावर माइनस आर बाय 5। तो मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं इसको, ये रही पूरी x की पावर और जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा उसमें x की पावर 0 आएगी, तो ये 0 आना चाहिए। तो 8 माइनस आर बाय 3 इज इक्वल टू आर अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 माइनस 5 आर इज इक्वल टू 3r और r इज इक्वल टू 5 आ गया। इसका आंसर है हां, फंस गया था सर उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया माइनस माइनस 1 की पावर r ncr x = 1 माइनस x की पावर n 1 माइनस हाँ ठीक है फिर लिखा हुआ है तो बोल क्यों नहीं रहे हो? उसके पर कम क्या आ जाएगा तो बताओ किस तरह से आ जाएगा क्या? 1/2 टू दी पावर n प्लस 1/4 टू दी पावर n 1/8 क्या बन गया है? जी जी नहीं चल वो सही रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माइनस 1 टू द पावर r एन सी आर और ब्रैकेट में बहुत सारे नंबर है जो समझ में नहीं आ रहे हैं करना क्या है इनका। 1 अपॉन 2 टू द पावर r अगला क्या है? 3r टू द पावर r क्या मास को लगा तो सबने बंद कर दिया मास की जरूरत पैसे तो नहीं लगते मुझे 3 टू द पावर r ओवर 2 टू द पावर 2r प्लस 7 टू द पावर r और 2 टू द पावर 3r और ऐसे ही चलते चलते कह रहे हैं m टर्म्स है। तो देखो जो पैटर्न हमने जो बायनोमियल पढ़ा है वो ncr और कोई एक टर्म होना चाहिए, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्या सबको अलग अलग कर लिया जाए? सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है जो जाएगा ncr 1 अपॉन 2 टू द पावर r लिख सकते हैं ऐसा प्लस अगले में ncr थोड़ा सा यहां देखो कैश करने वाली बात है कि अगर मुझे सेम पावर करनी है तो मैं 2 स्क्वायर को 4 लिख दूं क्या इसको हम 3 अपॉन 4 टू द पावर r लिख सकते हैं? यस सर। ऐसा ही नोटिस करोगे तो अभी पैटर्न देखने लगेगा। अगले में क्या लिख सकते हैं देखो 7/8 टू द पावर r ऐसे ही चलता रहेगा m टर्म्स पर। ठीक है भाई
और अगर नोटिस करोगे कि मैंने सब जगह माइनस वन टू द पावर आर बेस कर दिया है, माइनस वन टू द पावर आर भी था कि अभी बाइनोमियल में से आया नहीं है, क्या मैं वन बाई टू को वन माइनस वन बाई टू लिख दूं? यस प्लस एनसीआर वन माइनस वन बाई फोर, ऐसे ही अगले वाले में वन माइनस वन बाई एट, क्या ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है? इसके कोई मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? सही लिख रहा हूं ना सब कुछ? नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने पहले शायद मुझे ये सॉल्व कर लेना चाहिए। नहीं, ये तो अपने आप आ जाएगा, ऐसा लिखने की जरूरत थी ही नहीं, मतलब ये कुछ गलत नहीं लिखा, बट इसका कोई यूज नहीं, अपने आप आ जाएगा। क्या ये एक्सपेंशन ही लिखे हुए हैं? ये क्या है देखो, एनसीआर वन बाई टू टू पावर आर किसका एक्सपेंशन है? माइनस वन है तो अल्टरनेट चल रहा है, किसका एक्सपेंशन है? वन माइनस वन बाई टू टू द पावर एन का एक्सपेंशन है, सिग्मा बोल देंगे अगर। अगला वन माइनस थ्री बाई फोर का है, अगला वन माइनस सेवन बाई एट का है, और अब ये क्या बन गया देखो, वन बाई टू टू द पावर एन प्लस वन बाई फोर टू द पावर एन, या मैं ऐसे बोल दू वन बाई टू टू द पावर टू एन। अगला क्या बन गया, वन बाई एट टू द पावर एन या वन बाई टू टू द पावर थ्री एन, क्या बन गया ये? ये तो एक जीपी बन गई, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वन बाई टू है, क्या है कॉमन डिफरेंस, वन बाई टू टू पावर एन है ना, पूरा पूरा वन बाई टू टू पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बस जीपी का सबका फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ टर्म्स है एम, तो जीपी का सबका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वन बाई टू टू द पावर एन वन माइनस आर टू द पावर एन, आर मतलब ये हो गया और नंबर ऑफ टर्म्स एम है, तो एम अपॉन वन माइनस आर जो कि है वन बाई टू टू द पावर एन। अगर हम एलसीएम लें तो वन बाई टू टू पावर एन तो बाहर है ब्रैकेट के, इधर हो जाएगा टू टू द पावर एम एन, एम एन को एम एन लिख दिया मैंने, माइनस वन अपॉन नीचे एलसीएम में टू टू द पावर एम एन है ना, अब नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो टू टू द पावर एन माइनस वन और अपॉन में टू टू पावर एन, ये वाला टू टू पावर एन, ये वाला टू टू पावर एन कैंसल, एंड आई थिंक दैट्स इट, यही आंसर होगा, देख लेना एक बार, टू टू द पावर एम एन माइनस वन अपॉन टू टू द पावर एम एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन। फोर्थ के बाद सिक्स में है ना, सिक्स में कौन सा नंबर देते हैं और क्या पूछ रहा है, सिक्स सिक्स मेरा कभी डाउट है और देखेगा, अभी तक तो हो गया सिक्स लास्ट में क्या ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ रहा है, तमाम उठा रहे हो कि डाउट है, कितने क्वेश्चन हुए तुम्हारे, नहीं कर क्या है, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई नहीं सकता, क्वेश्चन नंबर टू तो सबका ही हो गया है, ट्राई किए कॉपी पे देख रहे हैं,
ओके मन में ट्राई किया था नहीं यार मैंने मन में रफ में क्लास खत्म होगी मैं घर चलूंगा तुम्हारे यहाँ नहीं हुआ तो निकाल दूंगा आज ध्यान रखना चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स और मैं बहुत मॉइंग जा चुका हूँ पुराने बच्चों से पूछ लेना उसको थ्रेट मत समझना नॉर्मल एम्प्टी थ्रेट क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछ रहा है मरन सॉरी मैन कह रहा है कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो टर्म है वो निकालना है तो हमारा जो एक्सपेंशन है दैट इज 1 + x + 2x³ इंटू 3x² / 2 - 1/3x to the power 9 तो क्या नहीं हो रहा है जनरल टर्म में सोचा था पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कितने टर्म्स मिले कौन कौन था जिसमें यहाँ पर किसकी रिएक्ट कोई एक टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा वो जब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब मिलेगा और जब यहाँ पर जो टर्म एक्स यहाँ बाहर एक्स है तो यहाँ अगर किसी टर्म के ऊपर एक्स की पावर माइनस वन होगी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉन्स्टेंट बन जाएगा दो दोबारा मिल गया और तीसरी बार कब मिल सकता है हाँ और यहाँ से पर मल्टीप्लाई होगा जब इसकी पावर क्या होगी इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है इसकी पावर जीरो होनी चाहिए तो ये कई बार मिल सकता है कैसे यहाँ पर किसी टर्म में एक्स की पावर जीरो होगी और वो वन से मल्टीप्लाई हो तो एक्स पावर जीरो रही या फिर यहाँ किसी टर्म की पावर क्या हो एक्स की पावर माइनस वन और वो एस से मल्टीप्लाई हो तो कॉन्स्टेंट बन जाएगा तीसरा जब एक्स की पावर हो माइनस थ्री और वो इससे मल्टीप्लाई हो वन वाला किससे मल्टीप्लाई होगा जीरो बन जाएगा तो तीन बार में मिलेगा तो इसमें देखो कि इसमें कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा जनरल टर्म लिख लो थोड़ा सा लंबा तो पड़ेगा ना नाइन सी आर थ्री बाई टू टू द पावर नाइन माइनस आर और एक्स टू द पावर 18 माइनस टू आर और माइनस वन बाई थ्री तो माइनस वन बाई थ्री अलग लिख लेते हैं माइनस वन बाई थ्री टू द पावर आर और एक्स टू द पावर माइनस आर इसी में कर लेते हैं थ्री आर कर लेते हैं ठीक है तो जब एक्स की पावर देर होगी तो बहुत लंबा आया होगा तीन बार करना पड़ा होगा ना (1/3)/6 9c6 3/2^3 और वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया ठीक है अगला टर्म क्या हो सकता है जो जिसमें x की पावर हो -1 देखो क्या कभी x की पावर -1 हो सकती है 18 - 3r = -1 करोगे क्या आ जाएगा 3r = 19 और r की वैल्यू हो जाएगी 19/3 which is Not acceptable solution. R cannot be fraction. तो कोई टर्म ऐसा है नहीं जिसमें x की पावर -1 हो और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि x की पावर हो -3 -3 हो सकती है लग तो रहा है हो सकती है तो R की वैल्यू आ जाएगी 7 तो वो टर्म क्या मिलेगा नेगेटिव है -1/3 to the power 7 9c7 3/2 to the power 2 और वो इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा तो इंटू 2 और मिल जाएगा इसको ये रहा आंसर ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा ठीक है कर लिया था आ गया था आंसर ठीक है चलो अगला डाउट सेवेंथ में सब लोग क्यों परेशान हो गए ऐसा क्या है
का हुआ है सर तो उसने एक्स भी कहा है सिग्मा के ऊपर एन नहीं दिख रहा नहीं बहुत मास आता है दिखता है देखेगा तो देखे तो देखा पता है ना क्या लिखा है 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस x टू द पावर n तो लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल टू 0 से कुछ भी लिखा उससे कोई खास मतलब है a k x टू द पावर k बेसिकली हमें दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करने कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं नॉर्मल क्वेश्चन है वहां 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर मैं खोल के लिख लेता हूं इसको 1 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस x टू द पावर n ये इक्वल टू है अगर मैं सिग्मा खोलूं तो a0 नॉर्मल ले लेते हैं हम लोग a1x a2x स्क्वायर ऐसे करते करते जहां तक जा सकता है तो आई थिंक ये n प्लस 2 तक जा रहा है ना n प्लस 4 कितने n प्लस 4 तक जा रहा है यहां x पावर n जाएगी और यहां फॉर्मूला मल्टीप्लाई होकर तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई इसीलिए वो n प्लस 4 तक दिया समझ गए बात मतलब हमें कोई नीड नहीं है उसके तो हमें तीन कोफिशिएंट से मतलब है a1 a2 और a3 कह रहा है ap में तो a1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x a2 है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और a3 है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ x निकाल सकते हैं बहुत नॉर्मल है क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकलेगा x को 0 पुट करने से तो a0 मिल जाएगा क्या तुम यहाँ पर x की पावर में कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते हो कैसे निकले इजी वाला है कैसे बनेगा x की पावर वन क्या इससे बन पाएगा मल्टीप्लाई होंगे कुछ तो यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है n से 2 1 से हो गया एक ये मिल गया प्लस 1 हो गया 2 से तो प्लस 2 a3 x क्यूब का कोफिशिएंट कैसे बनेगा x क्यूब का 1 से x स्क्वायर का x तो x क्यूब का कोफिशिएंट n से 3 और x का हो गया n से 1 into 2 ये हो गया ये कैसे हुआ ये 2nc में ये सेट का ये x क्यूब कैसे कैसे बनेगा x क्यूब वाला 1 से मल्टीप्लाई हो या x x वाला x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो x कोफिशिएंट क्या है nc1 और x यहां 2 है तो 2 into nc1 हो गया बस ये तीनों ap निकाल कर लोगे यहां से यस सर अगला तो 2 के लिए भी पॉसिबल होगा 3 को मतलब उससे क्या बात है अगर वैसे का x को 0 पर डिफरेंशिएट करना है 8 में 2 और डिफरेंशिएट है 2 और 3 बैठे तो आगे लेकिन 4 नहीं आ पाता 7 में आ तीनों आ रहे हैं पर देखने जो भी बन रही होगी हां मैं इसकी बात कर रहा हूं सर
सर हाँ क्या बोल रहे हो अच्छा नहीं है वो तीन बार करते हैं बहुत लंबा हो जाएगा ये तो कितना छोटा हो तो गया क्या चाह रहे हो करके दिखाऊंगे मैं यहाँ से बहुत बड़ा थोड़ी ना आएगा जो पिक तक आएगी लेकिन ठीक है तो नॉर्मल से नंबर है कोई बहुत डिफिकल्ट नंबर थोड़ी है और तो मैं कर भी दू ये एपी में तो क्या हो गया टू टाइम्स ए टू एन सी टू क्या होता है एन इन टू एन माइनस वन बाई टू प्लस टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए थ्री एन एन सी थ्री क्या हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल और टू एन ठीक है बस एलसीएम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ये वाला टू कैंसिल ये फोर बन जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया कॉमन आ रहा है क्या सब में एन है क्या ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन प्लस फोर इज इक्वल टू यहाँ पर ये तो थ्री एन लिख लेते हैं एक तार इसको हटा के तो ये हो गया क्यूबिक हो गया भाई ये तो एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू प्लस एटीन एन डिवाइड बाई सिक्स है इधर सिक्स आ गया और यहां से हमारी एन क्यूब की क्वेश्चन एन क्यूब माइनस थ्री एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन स्क्वायर तो माइनस नाइन एन स्क्वायर टू एन और एटीन एन ट्वेंटी एन प्लस सिक्स एन उधर जाके 26n कांस्टेंट वहां कुछ नहीं है माइनस 24 ये बन गए क्यूबिक एक फैक्टर कैस करते हैं n इज इक्वल टू 1 डाल के देखो कर रहा है प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा है माइनस था नहीं क्या था माइनस n क्यूब माइनस ये प्लस है चलो चेक करो 1 पे 0 बन रहा है क्या हाँ वन पे जीरो बन रहा है नहीं टू पे बन रहा है एट फिफ्टी टू सिक्सटी थर्टी सिक्स और ट्वेंटी फोर सिक्सटी वन माइनस टू एक फैक्टर होगा है क्लास नाइन अब से सभी प्रयास से आंसर बोल दिया थ्री रखोगे तो उसको भी जीरो बन रहा है देखो 27 और 78 105 81 और 24 105 3 पे भी बन रहा है तो ऑब्वियसली 4 पे भी बन जाएगा तो तीनों आंसर आ गए ने इक्वल टू 2 3 एंड 4 आसान स्वामी चलो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस है माइनस है माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कहां तक है माइनस एक्स टू द पावर 17 फिर कह रहा है कि यही इक्वल है एक नया पैटर्न बना दिया है a0 प्लस a1 1 प्लस x प्लस a2 1 प्लस x स्क्वायर ऐसे करते करते कितना 17 तक गया क्या yes, अब इसमें नया क्या कर दिया कि अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि a1 x a2 x ये हमने पहले देख रखा है इस तरह का हम पहली बार देख रहे हैं और पूछ भी अजीब चीज ली है कि a2 बताओ देखो a2 हम कैसे ला सकते हैं सोचो अगर हम कभी कोफिशिएंट कंपेयर कराने की बात करें तो क्या यहाँ पर बात बन सकती है ओके a2 किसका कोफिशिएंट है तो ऐसा कि कांस्टेंट भी आ रहा है x भी आ रहा है x स्क्वायर भी आ रहा है वो सब में ही आ रहा है कांस्टेंट इसमें भी आ रहा है अगले में देखो उसमें भी कांस्टेंट x पावर 1 भी है 2 भी है तो कोफिशिएंट कंपेरिजन है कोई यहाँ से बन नहीं रहा है अगली बात आती है डिफरेंशिएशन की अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो a0 गायब हो जाएगा यहां सिर्फ a1 बचेगा x का मान हो जाएगा डिफरेंशिएशन और अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो a1 गायब हो जाएगा और a2 बच जाएगा फिर आगे और चीजें बच जाएंगी फिर क्या कर सकते हैं
चलो देखते हैं, पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये वन तोड़ गया, माइनस वन प्लस टू टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसे चलते चलते माइनस सेवनटीन एक्स टू द पावर सिक्सटीन। राइट हैंड साइड में करो, ए जीरो तो कैंसिल हो गया और जीरो हो गया, ए वन आ जाता है, वन का जीरो और एक्स का वन, प्लस टू टाइम्स ए टू वन प्लस एक्स, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें इसी में है वैसे, थ्री टाइम्स ए थ्री वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे ऐसा ही चलता रहेगा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ए टू मिल जाए, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, टू माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, नहीं लिखते पैटर्न नहीं लिखेगा, नहीं तो टू बचा माइनस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर टू इंटू थ्री एक्स प्लस अगले में थ्री इंटू फोर हो जाएगा, देख पा रहे हो, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा लास्ट में माइनस सिक्सटीन इंटू सेवनटीन एक्स टू द पावर फिफ्टीन होगा ना, समझ गए, इसको भी वन इंटू टू ले देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में। इधर डिफरेंशिएट करो, तो ए वन तो चला गया, टू ए टू रह गया, फिर यहां पर ऐसा पैटर्न, टू इंटू थ्री ए थ्री वन प्लस एक्स, अगले वाले में आ जाएगा थ्री इंटू फोर ए फोर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और चलता रहेगा। चलो बताओ यहां से एक टू निकालना है, थोड़ा सा कंसीडर है एक्स को जीरो रखने का, जीरो रखने का क्या फायदा, ए टू ए थ्री ए फोर सब आ जाएंगे, और यहाँ भी एक फायदा हो गया कि एक्स को माइनस वन रखोगे क्या ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ तो स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं, तो हर टर्म प्लस हो जाएगा, थोड़ा सीक्वेंस सीरीज भी आ गया हल्का फुल्का इसमें, इसका सम निकाल सकते हो ऐसे, बहुत इजी वाला है, कैसे निकालते थे ऐसा सर, सर एक में टू ले लो और रेशियो को टू लो, क्या बोल रहे हो सर, एपीजीपी आते हैं क्या, कुछ नहीं आता है बेसिक भाई, प्लस वन का समीकरण सर जी TN निकालो, उसका TN क्या है, N into N plus 1 है, इसी का सिग्मा कर दो, सम क्या हो जाएगा, सिग्मा N plus 1 into, sorry, सिग्मा N into N plus 1 हो गया, ऐसे जो करते थे तीन तीन वाले लिखिए, तो दो वाला है बहुत आसान है, बस ये दोनों आते ही हमें, सिग्मा N स्क्वायर क्या होता है, रिवीजन करते रहो यार, इतना ऐसा नहीं तब मिलेगा मौका, n into n plus 1 by 2 आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, n कहां तक डाले, n की वैल्यू क्या डालनी है, 16, तो ये सम कितना आ गया, 16 into 17 into 33 by 6 plus 16 into 17 by 2, सिंप्लीफाई कर ले इसको, सिक्स तो चला जाएगा, थ्री से कैंसिल किया और टू से किया और यहां किया, मल्टीप्लाई कर लो, करो भाई पे मल्टीप्लाई, मैं जगह कम है इसलिए कैलकुलेटर से कर देता हूँ, 17 into 8 तो कॉमन ही है, ये आ जाएगा 1632, तो ये किसके वैल्यू थी, 282 की, 282 is equal to 1632, तो 82 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1632 by 2,
8 1 6 मैच करा लेना ठीक है। देखो हमेशा जेई का ज्यादातर कोशिश रहती है कि एक क्वेश्चन में दो चैप्टर पूछ ले, तीन चैप्टर पूछ ले। मैं तो कई क्वेश्चन में एपी लग रहा है, इसमें ये स्पेशल सीरीज लग गई, उसे चैप्टर तो ये ना तो देखा तो 8 तक है 10 तक चलो आगे 9 तो करना चाहिए था नाइन नहीं कर पा रहा। नाइन क्या है दिख नहीं रहा है कैसे होता है? ये तो पैटर्न है कर चुके हैं क्या बोल रहे हो एनसीआर के पैटर्न पे है। हाँ शायद वही हो जाएगा बट हमने कर रखा है ना आर एनसीआर कर रखा है ना कैसे होता है स्क्वायर इन में कन्वर्ट करके एन बार लिखना पड़ता है। ओके डिफरेंशिएट करके भी होता था टू आगे लाना हो तो इस पर लाना हो इसका हमने याद करने को भी कहा था अगर याद हो तो अगर याद किया होगा तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। इसमें एक चीज नहीं सारी है डायरेक्टली याद है क्या है सिग्मा आर सी आर ही तो है आर इंटू एन सी आर क्या था ये एन इंटू एन माइनस वन ये था फॉर्मूला कैसे आया था याद है 1 + x वाला लिखा था और डिफरेंशिएट कर दिया था तो 2 आगे 3 आगे एक पैटर्न और आया इसमें स्क्वायर आ रहे थे तो फिर 2 बार डिफरेंशिएट किया था याद है x से मल्टीप्लाई करके के ज्यादा आता है इसलिए इसको याद कराया था। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n की वैल्यू है 2000 तो आ जाएगा 2000 टू टू द पावर 1999 अच्छा सॉरी 2000 ठीक है और 2000 में कितनी बार 2 है 4 बार 10 में एक बार होता है 3 बार 10 और एक बार ये 2 तो क्या हो गया ये 5³ × 2^2 लेकिन याद ही नहीं था। चलो 9 के बाद हो गया 10 अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाले हैं वो छोड़ सकते हैं क्योंकि अब ये क्वेश्चन आते नहीं है तुमने खुद ही देखा होगा जैसे ऐसे क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन तो है नहीं तो बाकी कुछ हमने इसमें कर भी रखे हैं मुझे लग रहा है जैसे 15 का ए कर रखा है बी भी शायद कर रखा है ऐसे कर रखे हैं तो व्हाट डू यू थिंक करोगे या छोड़ोगे दो बार लिखने के बाद तो बताओ क्या कहते हैं अगर नहीं करोगे तो आज खत्म हो जाएगा करोगे तो एक क्लास और लेंगे हम तक अभी कर लो जल्दी हो जाएगा जल्दी से करो अगली क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन और अच्छा चैप्टर है एकदम नया टॉपिक होगा अभी तक हम पूरा अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो पूरा डिफरेंट ब्रांच आ जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलजेब्रा थोड़ा ब्रेक लगेगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा टाइम देंगे और उसके बाद 11th का सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट खत्म है इसका एक चैप्टर ही रह रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि 12th के 3-4 चैप्टर हम 11th में ही कर लें ताकि हमें बहुत टाइम मिल जाए रिवीजन के लिए और पूरा कॉन्फिडेंस भी हमारा बिल्ड हो जाए। उसको भी तो मैं 11th में ही मान रहा हूँ वैसे 12th के नहीं मतलब हमें एक साल में सिलेबस खत्म करना था उसमें बस हमें एक चैप्टर पीछे है तो मुझे लग रहा है दिसंबर में कर लेंगे उसको खत्म दिसंबर में ये खत्म होगा ठीक है मैं जनवरी में कर लेंगे तब भी हमारे पास 1.5-2 महीने होंगे लीड लेने के लिए। चलो शुरू करो
14th का फर्स्ट पार्ट क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, कुछ लिखना भी नहीं है। सम ऑफ कोएफिशिएंट कैसे आता है, कई क्वेश्चन में किया है तुमने, x को क्या डालना है, x को 1 डालने कोएफिशिएंट मिल जाएंगे सारे, क्या आंसर आ जाएगा, 3 टू द पावर n हो जाएगा सारे कोएफिशिएंट का सम। सेकंड पार्ट क्या क्या आएगा, x को -1 डाल दो, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 1। सिर्फ थर्ड पार्ट पे काम करना है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में कोएफिशिएंट का स्क्वायर आ रहा है, कैसे बनता है कोएफिशिएंट के स्क्वायर कभी भी बनाने हो कैसे बनते हैं, जब जब भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुए हैं तब तब क्या करना पड़ा है हमें, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, जिस तरह की तुम लोगों की हरकतें हैं भूल गया हो शायद कि क्या करने आए थे, कोई उस तरह का रिस्पॉन्स ही नहीं है जो चाहिए होता है। कोएफिशिएंट कंपेयर करके दो बार लेके मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ याद नहीं है, सारे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन ऐसे ही तो किए थे, C0 स्क्वायर C0 C1 कैसे था, दो बार लिखा था मल्टीप्लाई किया था, कोई कोएफिशिएंट कंपेयर किया था, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई तभी होंगे ना, दो इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार x की जगह माइनस x लिख दो, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव चाहिए हमें, क्या बन जाएगा a0 माइनस a1x a2x स्क्वायर, ऐसे करते करते a2n x टू द पावर 2n। ये बात हमने पहले नहीं करी, बट जैसे ncr ncn माइनस r के इक्वल होता है वैसे ही ट्राइनोमियल में भी आगे पीछे से इक्वल होते हैं, तो a0 इज सेम एज a2n, उसको ऐसे लिख सकते हैं a2n माइनस a2n माइनस 1 x a2n माइनस 2 x स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में a0। अब बताओ जो हमें चाहिए वो क्या है, क्या चाहिए था हमें, a0 स्क्वायर, ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, अच्छा x स्क्वायर 2n था, चलो हमें चाहिए a0 स्क्वायर। a0 स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर कैसे मिल रहे हैं, a0 स्क्वायर किसको कैसे मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, x की पावर कितनी आएगी उसमें, 0 0 a0 स्क्वायर करने में x की पावर कितनी आएगी, 2n आएगी ना, यहां से 0 और यहां से 0 x की पावर 2n बनी, ऐसे अगर मैं सेकंड लास्ट कर देखूं तो a1 स्क्वायर में x की पावर कितनी आएगी, 2n माइनस सॉरी 2n ही तो आएगी, दैट मींस हमें दोनों तरफ क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n को कंपेयर कर देना है, गलती हो गई, प्लस आ रहा है माइनस आना चाहिए था, माइनस आ रहा है क्या, प्लस ही आ रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स किया ये तो ठीक है, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, इन दोनों में देखूंगा, a0 स्क्वायर x की पावर 2n में a1 स्क्वायर, तो बेसिकली हम दोनों तरफ क्या कंपेयर कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ 2n, राइट हैंड साइड में वही जो पूछा गया है, a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये क्या है, क्या है ये, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n RHS, तो दैट शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस टू 1 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो क्या a प्लस b है, माइनस b लगा दें, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें हमें क्या ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ 2n, और ये क्या बनेगा, 1 plus 2x square is equal to 1 plus x square plus x to the power 4 बनेगा, इसकी पावर n,
we are looking for coefficient of x to the power 2n. इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा? n factorial upon r factorial s factorial t factorial 1 की पावर r x to the power 2s और इधर x की पावर 4 t. तो इसको हम नॉर्मली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x की पावर 2n चाहिए. अगर यहां कोई भी वैल्यू आ गई क्या वो 2 से बड़ा ही हो जाएगा? That means it कब बन सकती है x की पावर 2n? जब यहां n आ जाए और यहां पर 0. That is the only option. So क्या बन गया वो? n factorial upon r भी 0, fn और t भी 0. तो क्या बचा? n factorial upon n factorial. ये 0 है, ये भी 0 है. तो क्या आ गया coefficient? 1. इसे आंसर गलत गया, an लिखा हुआ 1 हो रहा है इसका. ठीक है? Yes. यहाँ से चैप्टर खत्म होता है. थोड़ा शेड्यूल में भी एक इशू है,